नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के 100 टेस्टों की सीरीज में आज आपके लिए मैं पेपर नंबर 45 लेकर आया हूँ। 44 टेस्टों को हम हल कर चुके हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए, साथ ही सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी मनोविज्ञान की ये टेस्ट सीरीज बेहद ही उपयोगी है। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले टेस्टों की मैंने यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसका लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी सारे के सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। 30 शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हम हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर एक क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न नंबर एक, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से और एकीकरण के सिद्धांत से। तो देखो, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहेगी, तो फिर हम उसको कौन से सिद्धांत के साथ जोड़ेंगे साथियों? निरंतरता के सिद्धांत के साथ हम उस चीज़ को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पहला विकल्प आपका सही है पहले प्रश्न में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दो पर, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दो क्या पूछ रहा है? राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और स्नायु विकृत स्थिरता। तो दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, राजीव नाम का एक व्यक्ति है जो खुशमिजाज है, ठीक है, मिलनसार है, दूसरों से मिलना जुलना उसे पसंद है, उसे अकेला रहना उसे पसंद नहीं है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति उसे पसंद नहीं है, तो मतलब वो बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट कर रहा है। अच्छा, राजू फिर किस प्रकार के व्यक्तित्व में आएगा? राजू का व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। विकल्प नंबर आपका दो सही है साथियों प्रश्न नंबर दो में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीन की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे आपके, प्रश्न नंबर तीन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। विकल्प को देखिएगा, तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तीसरा है सांस्कृतिक विरासत की सराहना और चौथा है ऐतिहासिक जगहों पर परिभ्रमण। देखो, एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसमें कला शिक्षा को जब जोड़ा गया था तो उसका उद्देश्य क्या था साथियों? कला शिक्षा को जोड़ने के पीछे जो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ठीक है। विकल्प नंबर आपका तीन सही है, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत किसके अंतर्गत आ जाती है? कला शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चार की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न नंबर चार है, सिगमंड फ्रायड ने मन की तीन दशाएं बताई है, उनमें से अचेतन मन होता है जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर चार में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझोगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हो। सिगमंड फ्रायड ने जो मन की तीन दशाएं बताई है, एक तो अचेतन मन, एक होता है चेतन मन और एक होता है साथियों अर्धचेतन मन। यहाँ अचेतन की बात की जा रही है, अचेतन मन जागृत अवस्था नहीं होता है साथियों, बल्कि इसमें हम जो इच्छाएं दबा देते हैं वो होती है दमित इच्छाएं, और कटु अनुभूतियों का जो भंडार है वो भी अचेतन मन में ही होता है। जो हमारी कटु अनुभूतियाँ मतलब कड़वी अनुभूतियाँ हैं उसका भंडारण भी अचेतन मन में ही होता है। अतः थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर चार में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर पाँच की ओर। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर पाँच पे आते हैं, तो आपके पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, पावलोव ने, थोर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो देखो, पिछली जो रीट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि यहाँ पर पावलोव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत? पावलोव के द्वारा, और उसको इंग्लिश में आप क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका दो सही है फिर पाँचवें प्रश्न में,
सेकंड विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर, तो छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स ने, सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल यूंग ने और आर बी केटल ने। साथियों प्रक्षेपण, हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं प्रक्षेपी विधियों के, ठीक है, प्रक्षेपी विधियों से संबंधित अनेक प्रश्नों को हमने हल किया है। तो प्रक्षेपी जो शब्द है इससे ही प्रक्षेपण शब्द बना है और इसका सबसे पहले प्रयोग सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था साथियों। और इसके माध्यम से, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, आरोपित करना एक तरह से, आप यूँ कह सकते हो। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा अचेतन मन है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, मतलब अचेतन में जो इच्छाएं, जो विचार हमारे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। आपके प्रश्न नंबर 6 में दूसरा विकल्प सही है फ्रायड वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, बाल अपराध का कारण है, क्या कारण है, विकल्पों को देखते हैं। माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो देखो जो बाल अपराध होते हैं उसका कारण क्या है, अगर समृद्ध परिवार है मतलब अच्छा खासा इनकम का स्रोत उनका है, परिवार समृद्ध है, संसाधनों की कमी नहीं है, तो क्या उससे अपराध जन्म लेगा? जी नहीं, ये कोई कारण नहीं हुआ। परिवार में यदि आपस की सहमति से कार्य होता है तो उससे भी अपराध जन्म नहीं लेता है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है तो उससे भी बाल अपराध जन्म नहीं लेगा साथियों। लेकिन माता पिता में यदि अनबन बनी रहती है, वो झगड़ते रहते हैं, उस चीज़ को बालक देखेगा तो निश्चित रूप से वो भी ऐसी ही चीज़ों पर ज़्यादा लागू होगा और वो भी अपराधी बन सकता है। अतः बाल अपराध के कारणों में यहाँ पर पहला विकल्प सही है, माता पिता में अनबन रहना। सातवें में प्रथम सही है साथियों, प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, तो आठवां प्रश्न देख लेते हैं। CAT का भारतीय अनुकूलन किया गया राइस के द्वारा, उमा चौधरी के द्वारा, यूंग के द्वारा और JB वॉटसन के द्वारा। तो देखो वॉटसन तो भारतीय था नहीं, तो भारतीय अनुकूलन ये तो करेगा नहीं। अब यूंग भी नहीं था तो ये भी नहीं करेगा। राइस और उमा चौधरी दोनों में से एक आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। साथियों CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसका भारतीय लोगों के अनुसार जो अनुकूलन किया है वो प्रोफेसर उमा चौधरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रोफेसर उमा चौधरी के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर, यहाँ सेकंड विकल्प उमा चौधरी वाला सही रहेगा। तो नौवां प्रश्न है, विकास शुरू होता है कब से होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और जन्म से। देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है आपके विकास और एक शब्द होती है वृद्धि। वृद्धि ये माना जाता है कि जन्म से शुरू होती है और विकास ये माना जाता है कि बालक जब माँ की कोख में रहता है, ठीक है, जब गर्भ में रहता है साथियों बालक, तभी से विकास का आरंभ हो जाता है। तो विकास कब से आरंभ हुआ? फिर प्रसव पूर्व अवस्था से साथियों। यहाँ चौथा विकल्प सही नहीं रहेगा बल्कि दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर, तो दसवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 साथियों, दसवां प्रश्न है, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक और मुख्य विचारक। देखो लाभ का ध्यान रख रहा है, हानि का ध्यान रख रहा है, मतलब अनुमान लगा रहा है और अपने कार्यों को कर रहा है। तो साथियों इस प्रकार के व्यक्ति को लाभ और हानि अनुमान लगा कर कार्य करे उसको स्थूल विचारक के अंतर्गत थार्नडाइक के द्वारा रखा गया है। दसवें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है इड का, ईगो का, सुपर ईगो का और कहना संभव नहीं है। 11वें प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। यहाँ पर मन में विचार आया कि इसके ऊपर प्रहार किया जाए और उसने पूरी कक्षा के सामने बिना सोचे विचारे ही प्रहार कर दिया अध्यापक के ऊपर। तो देखो ईगो में तो सोचा जाता है लेकिन जो इड होता है हमारा ये सोचने पर मजबूर नहीं करता है। ये क्या कहता है कि जो चीज़ माइंड में आए वो कर लो।
वो संकेत देता है इड का, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, लाभ हो हानि हो, उससे क्या भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें कुछ भी मतलब नहीं रखती साथियों इड के लिए। अतः उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हुआ, इड प्रकार का। विकल्प एक आपकी 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न है, वात पित्त कफ ये वर्गीकरण है वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर। देखो प्रश्न संख्या 12 में आपके जो सही उत्तर है, यहाँ पर जो वात पित्त और कफ ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है साथियों, और ये कर्म के आधार पर नहीं है, ना ही वेद के आधार पर है, बल्कि ये आयुर्वेद के आधार पर है। किसके आधार पर यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, आयुर्वेद के आधार पर। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखेंगे, फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है, अर्धचेतन, चेतन, अचेतन और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपका सही है, देखो चौथे विकल्प को हम हटा देते हैं क्योंकि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब जो फ्रायड ने मन के स्तर बताए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इनमें से लघुत्तम सबसे छोटा पूछा जा रहा है साथियों, तो सबसे बड़ा तो अचेतन होता है और सबसे छोटा चेतन होता है, अर्थात लघुत्तम उपखंड यहाँ पर कौन सा रहेगा, चेतन मन। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 13वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी और शर्मिला। तो साथियों 14वें प्रश्न में देखो, बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है, इसमें जो बालक का व्यक्तित्व है पहले तो अंतर्मुखी होता है, कब, जब वो शिशुअवस्था में होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बड़ा हो जाने के बाद में वो सामूहिक रूप से खेलना पसंद करता है, अर्थात उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों 15वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, वातावरण दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो वापिस कोई नहीं को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये आंसर नहीं होगा साथियों। व्यक्तित्व को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है, अर्थात ये जो दोनों हैं दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, अतः उपरोक्त दोनों वाला जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास व भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पूछ लिया गया है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, क्योंकि प्रश्न में लैंग्वेज थोड़ी चेंज की हुई है कि किस शीर्षक से सिद्ध किया, मतलब क्या नाम है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। तो साथियों थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है अधिगम का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। देखो साथियों थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं इसमें मुख्य नियम और गौण नियम कितने भागों में बांटा इसने नियमों को, 2 भागों में, एक में तो मुख्य नियम दिए और एक में गौण नियम दिए। तो मुख्य नियमों की संख्या 3 है और गौण नियमों की संख्या 5 है, इस प्रकार से इनके कुल नियमों की संख्या 8 हो जाती है, जिसमें जो प्राथमिक नियम हैं जिनको मुख्य नियम भी कहा जाता है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों ही प्राथमिक या मुख्य नियमों में शामिल होते हैं, जबकि यहाँ साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम मुख्य नियमों में शामिल नहीं होता है। तो विकल्प एक आपका प्रश्न नंबर 17 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तर्क के अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर, चिंतन के अनुकूलन पर और प्रेरणा के अनुकूलन पर। तो देखो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव वाला, उसको ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है साथियों, और ये जिस पर बल देता है वो है व्यवहार। किस पर बल देता है, किसके अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर, क्योंकि इसमें व्यवहार को ही अनुकूल करने का प्रयास किया जाता है। अतः आपके प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर 2 सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर।
चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्हाधिगम। तो देखो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है साथियों, स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। अब इसका दूसरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नैमित्तिक अनुबंधन भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको साधनात्मक अनुबंधन भी कह सकते हो, साधनात्मक अनुबंधन। अतः विकल्प नंबर आपका 2 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। साथियों 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है और अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। देखो अगर मैं बात करूँ अधिगम की विशेषता नहीं है, तो आप 20वें प्रश्न में अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया भी है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। जी नहीं, अभिवृद्धि को आप अधिगम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, ये भी गलत हो गया साथियों। तो पहला और तीसरा दोनों ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। फर्स्ट चॉइस आपकी थर्ड विकल्प है। क्लियर है सभी के? यहाँ तक 20 प्रश्न हम देख चुके हैं, 10 प्रश्न अभी आज के इस टेस्ट के अभी आपके बाकी है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 21 हम देखेंगे, आपके 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत सीएलआर। तो देखो चार सिद्धांत दे रखे हैं, चार ही उनके जनक दे रखे हैं, तीन तो यहाँ सिद्धांत सही है जनकों के साथ में कि उनके जो जनक है उनके जो सिद्धांत है वो सही है, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत है उसके जनक यहाँ गलत दे रखा है साथियों। तो आपको वही पहचानना है प्रश्न नंबर 21 में। देखो 21वें प्रश्न में सही आंसर है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक ने दिया है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने दिया है और समग्र सिद्धांत हल ने नहीं गेस्टाल्टवादियों ने। किसने? गेस्टाल्टवादियों ने, जो कोहलर है, कोपका है, वर्दीमर है, इनके द्वारा सीखने का समग्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत दिया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर, आपके 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसको सीखने का वक्र कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं, स्मृति कहते हैं या अवधान कहते हैं। तो देखो हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, जैसे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है, आपकी सीखने की गति प्रारंभ में बहुत तीव्र गति से रहेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये गति कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी साथियों। और इसी को कहा जाता है, जब एक समय ऐसा आता है जब हम कुछ सीख ही नहीं पाते तो उसको अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अधिगम का पठार। अतः यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, सीखने का पठार भी आप इसको कह सकते हो, अधिगम के पठार को। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर, सेकंड विकल्प 22वें में सही है। तो 23वां प्रश्न, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सी एल हल के द्वारा, थोर्नडाइक के द्वारा, हेत तेई के द्वारा और स्किनर के द्वारा। तो अभी आपको पिछले प्रश्नों में ही बताया था कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है साथियों? स्किनर, बी एफ स्किनर, जिनका पूरा नाम है ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर, तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 24। साथियों प्रश्न नंबर 24 क्या पूछ रहा है आपके? यहाँ प्रश्न नंबर 24 में है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से और अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर की गिनती किन में होती है? गेस्टाल्टवादियों में होती है साथियों। और गेस्टाल्टवादियों ने जो एक सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो एक सीखने का सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था वो? सीखने का। अतः यहाँ पर कोहलर इनमें से किससे संबंधित हुए? फिर अधिगम के सिद्धांत से या सीखने के सिद्धांतों से संबंधित हुए। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 24वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर, 24वें में चौथा विकल्प, 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा विकास के भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है?
परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और लंबाई एवं वजन। तो देखो प्रश्न नंबर 25 में जो भाषा विकास है वो हमारे अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होगा। परिपक्व अगर हम हो चुके हैं तो हमारी लैंग्वेज जो है साथियों वो उसमें यूं मानिए आप क्लियरिटी आ जाती है। जिसमें प्रश्न में जो सही आंसर है, भाषा के विकास को अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है, परिपक्वता भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, लेकिन लंबाई और वजन भाषा विकास को प्रभावित नहीं करती है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 25 में यही आपका सही आंसर है। क्योंकि किसी की लंबाई से और किसी के वजन से आप यूँ नहीं कह सकते कि इसका भाषा विकास कम होगा ज़्यादा होगा, आपको परखना पड़ेगा उस चीज़ को। तो विकल्प 4 ही आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां प्रश्न है साथियों आपके, ये देखो मेस्लो के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल है। देखो मेस्लो ने 2 आवश्यकता तो उच्च स्तरीय बताई और 3 आवश्यकता निम्न स्तरीय बताई है। तो निम्न स्तरीय आपको देखना है, विकल्पों को देखिएगा आप। शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता। दूसरा विकल्प आत्मगौरव की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता। तीसरा है विकल्प शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। और चौथा और अंतिम विकल्प है शारीरिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मगौरव की आवश्यकता। देखो सम्मान और आत्मगौरव तो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में आ जाते हैं, तो इसको हटा दो आप, फिर आत्मगौरव यहाँ पर भी, इसको भी हटा दो, सम्मान यहाँ पर भी, इसको भी हटा दो। तो एक ही विकल्प बचा है आपके, जो मेस्लो ने आवश्यकताओं को शामिल किया है निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में। पहले आपकी शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है। ये तीनों ही यहाँ पर निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल होती है, अतः तीसरा विकल्प आपके 26 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो यहाँ थर्ड विकल्प सही है साथियों 26वें में। तो 27वां प्रश्न है, सूझ का आधार है बुद्धि, व्यवहार, उद्दीपक और कल्पना। तो साथियों 27वें प्रश्न में सही आंसर देना है, सूझ का आधार उद्दीपक या व्यवहार नहीं होता है बल्कि कल्पना को सूझ का आधार माना जाता है। इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कभी इसमें उद्दीपक, कभी बुद्धि दे रखी है, कभी व्यवहार दे रखा है और कभी कल्पना। लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ आई कि सूझ का आधार क्या होती है साथियों, कल्पना होती है। क्या होती है? कल्पना होती है। तो चौथा विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो 28वां प्रश्न है आपके, अधिगमकर्ता की कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती बल्कि अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे अनुक्रिया होती है, कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है? एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, इनसाइड थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। प्रश्न को समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। जो अधिगम करता है मतलब सीखने वाला है, इसको कोई आप अनुक्रिया करवाना चाहते हो तो उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है वो अनुक्रिया, बल्कि आप अनुक्रिया के बाद में जो पुनर्बलन दोगे उससे वो वापस उस चीज़ को दोहराएगा साथियों। इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि अधिगम में ऐसा होता नहीं है, ना ही पावलोव के सिद्धांत में ऐसा होता है। एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी किसकी है साथियों? थोंडाइक की स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें यह माना जाता है कि अनुक्रिया किसका परिणाम होती है? उद्दीपक का परिणाम होती है। लेकिन आरएस थ्योरी क्या कहती है? रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। साथियों यहाँ पर पहले अनुक्रिया कराई जाती है, फिर उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाता है और उस पुनर्बलन को इतना सही तरीके से प्रदान किया जाता है, एक तो प्रभावी होता है, सीखने वाला है उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है बाद में, तो जब भी उसको उस कार्य की ज़रूरत है वो पहले कार्य कर देगा ताकि पुनर्बलन बाद में मिल जाता है। 28वें में आपके जो सेकंड विकल्प है आरएस थ्योरी वाला, वही सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो 29वां प्रश्न देखेंगे, बुद्धि और विकास है एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से आगे है। साथियों बुद्धि और विकास, या फिर यहाँ पर वृद्धि लिखा था मैंने, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के आगे या विरोधी नहीं होते हैं, दिखने में तो विरोधी दिखेंगे लेकिन क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। हालांकि विकास का क्षेत्र बड़ा होता है, वृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है। तो ओनली थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, बट फिर भी दोनों को क्या मानना है? एक दूसरे के पूरक मानना है साथियों। तो 29वें में थर्ड विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा कर करिएगा साथियों, आप लाइक शेयर नहीं करते हो बुरा लगता है यार इस चीज़ का। अब अंतिम और 30वां प्रश्न जानने से पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने जरूर आया करो, अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि होती है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देता हूँ ताकि बिना किसी त्रुटि के वीडियो
रहे साथियों। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और तीसरा प्रश्न। अपना स्कोर जरूर शेयर करके जाए कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिगमंड फ्रायड व जुंग, मैकलेलैंड व एटकिंसन, मैकलेलैंड व मैकडूगल और एटकिंसन व मिलर। तो साथियों 30वें प्रश्न में जो सही आंसर है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये जो सिद्धांत दिया गया है मैकलेलैंड और एटकिंसन के द्वारा दिया गया है, अतः यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो यह आपके टेस्ट नंबर 45 पूरा हुआ, अभी भी आपके साइकोलॉजी के 55 टेस्ट आना बाकी है साथियों, तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।